तुम्हें पता? आज कैसे आना हुआ? कुछ नहीं यार, मैं बस तेरे घर के पास से गुजर रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना तुझसे मिलता हुआ चलूं। और बता, तेरा कैफे कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है यार। अच्छा एक बात बता, तूने जो डिलीवरी बॉय मेरे कैफे में भेजा था, क्या वो ट्रस्टवर्दी है? हाँ एकदम ट्रस्टवर्दी है, हमारे गाँव का ही है, पापा जानते हैं उसे, एकदम ईमानदार और शरीफ लड़का है। पर क्या तुझे पक्का यकीन है कि वो ईमानदार है? देख मैं तो श्योर हूँ, बट अगर तुझे कोई डाउट है ना तो हम उस पर एक टेस्ट कर लेते हैं। कैसा टेस्ट? एक बात बताओ, तुझे पहचानता है? नहीं। तो एक काम कर, तू अभी के अभी ना अपने कैफे से एक ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर दे और उसकी पेमेंट भी पहले ही कर देना, और जैसे ही वो आए तो उससे पूछना कि कितने पैसे हुए। अगर उसने पैसे ले लिए इसका मतलब वो ईमानदार नहीं है, और अगर नहीं लिए तो इसका मतलब वो ईमानदार है। सिंपल। हाँ ऐसा कर सकते हैं, ऐसे हमें 30 मिनट्स में पता भी लग जाएगा कि वो ईमानदार है या नहीं। कर दो जल्दी से प्लीज। चल ठीक है, मैं चलता हूँ, ठीक है, और जो भी कुछ हो ना मुझे फोन करके बता। मैम ये आपका ऑर्डर। कितना हो गया? वहाँ तो बोल रहे थे कि पैसे दे दिए हैं, तो मैडम मुझे दोबारा पैसे भी दे रही हैं। भैया कितना हुआ? मैडम 550 रुपये हो गए। हेलो। हाँ सना यार, ये तो पैसे लेके चला गया। क्या? देखना तेरे सामने ही तो मैंने पेमेंट की थी, फिर भी इसने मेरे से कैश ले लिया। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, इस डिलीवरी बॉय का ना एक बार फिर से टेस्ट लेते हैं और इस बार मैं खुद ऑर्डर प्लेस करता हूँ, फिर देखते हैं ये क्या करता है। ठीक है। सर ये आप, अरे सर ये आपका ऑर्डर है, अगर मुझे पहले पता होता मैं जल्दी ले आता। अरे वो एक्चुअली मेरी वाइफ ने ऑर्डर किया था ना, मुझे पता नहीं था कहाँ से। वैसे कितने पैसे हुए इसके? ये क्या हो रहा है, कैफे में तो बोल रहे थे कि पैसे आ चुके हैं, अब ये भैया भी मुझे पैसे दे रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कुछ। क्या हुआ, कहाँ खो गए? नहीं सर इसके 850 हो गए सर। हेलो। हाँ सना यार, इस डिलीवरी बॉय ने तो मुझसे भी पैसे ले लिए। अब तो मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने पता नहीं कैसे इंसान को तेरे कैफे में नौकरी पर लगवा दिया। आई एम सो सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी। यार कोई बात नहीं, तू ऐसे रिग्रेट मत कर, और इसमें तेरी और अंकल की कोई गलती नहीं है, और गलतियाँ तो इंसान से ही होती है ना, कोई बात नहीं। थैंक यू यार, चल बाय। बाय। मैडम। हाँ मैडम, कल मैंने 2 डिलीवरी करी थी और मुझे कैफे में बताया गया था कि पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन जब मैं घर गया उनके तो उन्होंने मुझे पैसे भी दिए थे, तो मुझे लग रहा है मैडम कुछ गलतफहमी हो गई है। अब मेरे को कुछ समझ नहीं आया तो मैंने दोनों कस्टमर से पैसे लेकर आ गया, एक ने मुझे 550 दिए और एक ने 850, तो अब आप बताइए क्या करना है। ठीक है तुम पैसे रख दो, मैं देख लूंगी क्या करना है। ठीक है मैडम। हेलो रोहन। हाँ सना। पता है डिलीवरी बॉय सारे पैसे वापस कर गया। यार इसका मतलब तो हम उसे गलत समझ रहे थे। तुझे पता है एक बात तो क्लियर है कि डिलीवरी बॉय ना ईमानदार है। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.